मुझे तो फाद आ गया, मेरा यहाँ आना सफल हो गया है। अभी हम लोग हैं मडगांव में, और मडगांव में हम कहाँ पे हैं, कैफ़े टाटो। और यहाँ ये है प्योर वेज ऑप्शन है मडगांव में, और काफ़ी मतलब सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। हमने भी ऑनलाइन सर्च मारा था बेस्ट रेस्टोरेंट मडगांव करके, तो ये भी एक दिखाया था। और जैसे मैंने मेन्यू चेक करा तो मुझे इसका मेन्यू बहुत रीज़नेबल लगा। दैट्स बिकॉज़ हम यहाँ आए थे कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या किया है, हमने एक वेज थाली इनकी ऑर्डर की है। ये पूरी के साथ भी आती है, चपाती के साथ भी, तो हमने चपाती के साथ ऑर्डर की है। और बाकी जो गोवा की कुछ भाजी आती हैं, हमने एक मशरूम भाजी, एक सूखा भाजी, और जो गोवा के लोकल बंस होते हैं वो, ये सब ऑर्डर किया है। बाकी चीज़ें आ जाने देते हैं, तभी आपको टेस्ट करके बताएंगे। और पड़ता कहाँ पे है वो मेन है, तो उसके लिए मैं गूगल मैप लोकेशन डाल दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसे बताना मैन्युअली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन एक दिक्कत है, पड़ता कहाँ पे? ये रोज़ अगर एक दिन यही इस गली के कोने पे पड़ा तो दूसरे दिन कहीं और जाके पड़ जाएगा, लेट जाएगा, तो क्या करोगी? तो अक्षुक पे चप्पल फिरेगा फिर। तो ये सारा अपना खाना आ चुका है। ये बंस हैं, मतलब बंस मतलब बनाना बंस या लोकल बंस जो भी कहते हैं इसको, पूड़ी टाइप है ये मेरे हिसाब से। और ये सूखी भाजी, इस तरफ से शुरू करते हैं, सूखी भाजी, बंस, मशरूम भाजी, चपाती इनकी ऐसी होती हैं। ये है थाली वाला राइस, जो थाली में राइस मिलता है। बाकी थाली की अगर बात करें तो थाली को एक तरफ से स्टार्ट करें तो सूखा भाजी, देन सैलेड, कुछ सब्जी है बीन्स की है, उसके आगे कुछ शायद वो स्वीट कुछ है आगे, फिर वो ये वाली भाजी है गोवन भाजी, उसके आगे भी कोई दाल है और ये कोई भाजी है, देन ये कोकम, और ये भी कोई भाजी ही लग रही है मेरे को। तो तीन चार भाजी आती हैं इसमें थाली में। प्रॉन करी होगी? नहीं, ये मशरूम भाजी है। तो चलो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, खाने की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी तो मेरे को ठीक लग रही है जिस हिसाब का प्राइस है उससे। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है इन पराठों में से। पराठे नहीं है रे, बन है। हाँ तो मेरे लिए तो पराठे ही हैं। तो मैं पहले ना मशरूम भाजी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मशरूम भाजी मुझे देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। प्याज के साथ एक, और मैं एक नया कॉम्बो ट्राई मारता हूँ, इसमें प्याज डाल के ऐसे। मीठा है वो, तो ये हल्का सा स्वीट है। और जो ये भाजी है ना, ये मेरे को मशरूम शाकुती का टेस्ट लग रहा है इसमें, मतलब जैसे जो शाकुती मसाला होता है, शाकुती मसाले में ये बनी हुई है। बाकी सूखा भाजी और मैं ट्राई मारती हूँ एक बार, मैं भी अक्षु जैसे बोलना सीख गई, ट्राई मारती हूँ, ट्राई करती नहीं मैं। और हरविंदर को भी ना ऐसा गुस्सा ही आ रहा होगा कि धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, मेरे को खाने नहीं दे रहे। तो पहले भाजी ट्राई करके फिर हरविंदर को चांस देते हैं खाने का। अच्छी है ये भी, टेस्टी है। मुझे तो फाद आ गया, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। खाना जो जो हमने अभी दो चीज़ें टेस्ट करी हैं दोनों काफ़ी अच्छी हैं। तो फाइनली अभी मेरा नंबर भी आ गया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ जो थाली है वो। तो पहले थाली की सारी सब्जियाँ ट्राई कर लेता हूँ एक एक बार। ये मशरूम की सब्जी बढ़िया है एकदम, बहुत ज़्यादा मतलब स्वीट भी नहीं लग रही है और तीखी भी नहीं बहुत ज़्यादा, आप मीडियम कह सकते हो उसको। इसका टेस्ट भी बढ़िया है, मतलब बहुत तीखा नहीं है यहाँ पे खाना जो होता है ना, वैसा स्पाइसी वाला वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। बीन्स का टेस्ट भी अच्छा है जो इधर बीन्स है। यह है मटर, तो मटर का टेस्ट भी बढ़िया है इसको, मतलब ये थोड़ी स्पाइसी है, इन सब में ये स्पाइसी लग रही है थोड़ी सी, लेकिन वो ये कोकोनट का टेस्ट सब में आ रहा है, कोकोनट तो यहाँ पे हर सब्जी में डलता ही है।
तो ये है इधर भिंडी, तो इसका भी टेस्ट बढ़िया है, भिंडी चटपटी है, ये दोनों चटपटे लगे। बाकी ये जो नॉर्मल बिल्कुल एकदम मीडियम मसाला था वो बिल्कुल इनमें था। ये वाली स्वीट है और ये इधर दही है। तो इधर खाना सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वो अभी और बन खाने वाला है, उसको बन टेस्टी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरी थाली में ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया है। जो मटर की सब्जी थी ये बहुत बढ़िया लगी मुझे, ये मैंने चावलों के साथ ही यूज की। भिंडी है, भिंडी बहुत बढ़िया लग रही है। और अभी मेरी चपाती रखी है तो चपाती और खा लें पहले। बाकी खाना यहाँ का अच्छा लगा, वेज में मतलब गुड ऑप्शन है, अच्छा है। तो वेज के लिए ना ये काफी अच्छा ऑप्शन लगा, कैफे टैटो। हाँ, टाटो तो नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, टैटो है पता नहीं क्या है। हाँ, टाटो ही है। हाँ, मैंने टैटो बना लिया। टोटल जो बिल पड़ा वो हमारा पड़ा यहाँ पे 480 का। हाँ। और खाना की बात करें तो खाना टेस्टी था, काफी सारा खाना टेस्टी था। हाँ। सिर्फ मेरे को कोकम पसंद नहीं आया इनका, मुझे भी। और दही थोड़ा ज्यादा खट्टा था। हाँ, बस और ये दो चीज़ें। चपाती थोड़ी ज्यादा हल्की थी इनकी। हाँ। तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई मेरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 चपाती खा गया मैं, 2 के अलग भी, उसके अलग चावल भी। हाँ, चावल भी खा लिए। तो भूख तो लगी हुई थी, खैर आज हम लेट हो गए थे लंच के लिए। तो बाकी जो इनका जो सूखी भाजी ली थी वो 40 रुपीज़ की थी। हाँ। 50 रुपीज़ का जो था वो मशरूम भाजी थी। हाँ। और बाकी बन इनके कितने का था, एक 25 रुपीज़ का एक बन कोस्ट कर रहा है। हमने बन लिए 6, तो वो भी बहुत ज्यादा हो गए। पर बन की जो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 25 रुपीज़ को वो जस्टिफाई करता है, मतलब काफी क्रिस्पी और टेस्टी था वो। हाँ, और जो थाली है, थाली कॉस्ट करती है 150 रुपीज़ की। हाँ। जिसमें आपको 2 चपाती और राइस मिलेगा, बाकी सारी वो सब्जियां हैं, 4 सब्जियां ऑलमोस्ट उसमें थी, 4 हाँ। भाजी और दही और मिठाई में वो थी खीर सी, खीर थी कि वो था। हाँ, खीर टाइप ही थी वो। और बाकी चपाती इनके यहाँ पे 15 रुपए पर चपाती कॉस्ट है, तो वही मुझे महंगी लगी बस थोड़ी सी और मैंने जो जो भी बताई थी ना सारी सब्जियाँ उल्टी बताई थी मैंने, क्योंकि मैं वो हरविंदर के आगे रखा था, मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी क्या क्या है। तो बट सब्जियाँ अच्छी थी, टेस्ट सब। हाँ, उसमें मुझे भिंडी वाला जो थी सब्जी वो बहुत अच्छी लगी, भिंडी के साथ साथ दूसरी एक मटर के साथ थी सब्जी वो अच्छी थी। और जो बीन्स थी वो थोड़ी फीकी सी लगी रही थी, बीन्स तो लगती हैं थोड़ी उस टाइप की। बाकी उसके अलग जो एक दो और सब्जी थी उनका भूल गया मैं नाम। एक हाँ, एक मैंने स्पेशल सब्जी टेस्ट करी इनके यहाँ, वो थाली में ही थी। पहले मुझे लग रहा था वो मशरूम है, मैंने ऐसा उठा के देखा तो मुझे लगा मशरूम है, तो मैंने भी बोल दिया मशरूम की भाजी है, लेकिन थी वो जो कटहल होता है ना, जैक फ्रूट, उसके बीज। हाँ। उसकी सब्जी थी, वो बहुत टेस्टी थी। सो गाइस, तो ये आज का था हमारा लंच मड़गांव में कैफे टाटो से। और कोई भी अगर इधर आ रहा है तो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको खाना है वेज और मतलब प्राइस भी रीजनेबल चाहिए तो प्राइस भी रीजनेबल है, एक आदमी के हिसाब से तो थाली सफिशेंट है वो। हाँ। भाई अब मेरे जैसा बैठ जाए तो वो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर एक आदमी के हिसाब से सफिशेंट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाय।